15 दिसंबर को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम के दौरान बंगाल के मशहूर गायक अरिजीत सिंह से ममता बनर्जी ने गाना गाने का आग्रह किया और अरिजीत सिंह ने रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना गाया। इसके अगले ही दिन भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि अरिजीत सिंह ने जानबूझकर बंगाल में आने वाले समय में भगवा होने की बात कहते हुए ये गाना गाया। और आई एम ओवरवेल्म्ड, सबाई के एक प्रणाम, थैंक यू सो मच। एक गान गे दी ताले लड़ा चुके जावे। रंग दे तुम मोहे गेरुआ। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने भी यही दावा किया। वहीं खुद को बीजेपी का गौरवशाली कार्यकर्ता बताने वाले नीलकांत बख्शी ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि अमित मालवीय और बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो एडिटेड है। पूरे उद्घाटन समारोह की लाइव रिकॉर्डिंग देखने पर ये बात साफ हो जाती है। छवि देखते अभ्यस्त छबीर भक्त निश्चय सब भक्त दीदी के अनेक अनेक धन्यवाद ये जिनिसटाके ये करार जन्य सपोर्ट करार जन्य और एटलिस्ट आफ्टर कोविड आमादेर एकटा आबार एक्साइटमेंटेर जायगा तैरी हलो। आमी एकदम सेई मानुषगुलोर जन्य कथा बोलछी जारा छवि देखते आसे, छविटा निये जादेर नाना रकम माथा ब्यथा आछे तादेर जन्य बोलछी। আর সবাইকে রিকোয়েস্টও করছি এই ফেস্টিভ্যালটি এত বড় ফেস্টিভ্যাল, এটাকে আরও ভালোভাবে তৈরি করা হোক এবং যাতে একটা এরকম ওয়েদারও তৈরি হয় যাতে আরও ছবি নিয়ে উৎসব আমরা করতে পারি, মানে সত্যি সত্যি উৎসব করতে পারি, যেখানে ছবি নিয়ে আরও দেশের কথাও জানতে পারি, ইনফরমেশনও বুঝতে পারি, এডুকেশনও হয়, একটু এন্টারটেনমেন্টও হয়, সব কিছুই যাতে হয়, এই জিনিসটা যাতে সবাই মিলে আমরা করতে পারি এটার জন্য রিকোয়েস্ট করব। আর আমি ওভারওয়েলমড, সবাইকে একটা প্রণাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা গান গেয়ে দিই তাহলে লেটা চুকে যাবে। বোঝে না, সে বোঝে না, এস আর কে ইজ ইন ফ্রন্ট অফ মি, হাউ ক্যান আই সিং সামথিং এলস। সো আই কুইকলি সিং টু লাইন্স। বোঝে না সে, বোঝে না, বোঝে না সে, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না, বোঝে না। রঙ দে তু মোহে গেরুয়া। দিস ওয়াজ সো ফুলফিলিং লিরিক্স। यानी अमित मालवीय और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शेयर की गई क्लिप में से बंगाली गीत को काट दिया गया है। अक्सर सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां और क्लिप वीडियो शेयर करने वाले अमित मालवीय ने ये क्लिप वीडियो शेयर कर भ्रामक दावा किया।